ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केश निषूदन। श्री भगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्येमिति च परे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। नहि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथग्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरे वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य
कृतबुद्धित्वान् न सपश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्षणु तान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहित मरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्षे च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्त संगो नहंवादी भृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भजाभजे बन्धं मोक्षं च यावेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी।
धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चत दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावस्य क्षत्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्मसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में
समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ युदस्य च। विवेक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या माम विजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाशयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोषसि विनङ्क्षसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्य शिवशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय ना भक्त
ताय कदाचन नैचा शुश्रूषवे वाच्यम नैच माम योभ्यसूयति ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः नैचे तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद्दन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च ये इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिद्येतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच्छ्रुतवाने तद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्यास योगो नामाष्टादशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः। भक्तों प्रभु की कृपा से गीता जी का पाठ पूर्ण हुआ। आज 18वें अध्याय का पाठ हम लोगों ने पूर्ण किया। अब इस मोक्ष संन्यास नाम के 18वें अध्याय का संक्षिप्त चिंतन हम लोग करते हैं। श्री राधे राधे। भक्तों ये श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम का अध्याय है। ये प्रभु ने सबसे आखिर में सुनाया है, इसलिए इसमें
संपूर्ण गीता का सार है। सब कुछ बात जो भी कहनी थी प्रभु को, इसमें प्रभु ने सब अपने प्रिय भक्त अर्जुन को कहा है। त्याग की बात से शुरू हुई चर्चा, तो भगवान ने कहा कामनाओं का त्याग तो करना चाहिए अर्जुन, लेकिन यज्ञ दान और तप रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए हमेशा इनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि बस करने का अहंकार त्यागना होगा। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वो कर्तव्य का पालन करते हुए भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझको एक सरल उपाय बताता हूँ, बहुत ही गोपनीय। वो ये है कि तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्तबन मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम करो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और फिर बहुत निष्कर्ष की बात ठाकुर जी ने कहा है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ने फिर ये बतलाया है कि अर्जुन, जो मैंने तुमको ये ज्ञान सुनाया है ये संयमी व्यक्ति को सुनाना चाहिए और जो सुनने की इच्छा रखता उसको सुनाना चाहिए, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता उसको नहीं सुनाना चाहिए। गीता का अभ्यास करने से जीव का कल्याण होता है। स्वयं ठाकुर जी इस गीता का महात्म्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। और जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों जो लोग होते हैं उनके श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। और अर्जुन, तुम अब अपनी बात बताओ कि तुमको गीता का ज्ञान सुनने पर क्या अज्ञान तुम्हारा नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके बाद भक्तों संजय जी बोलते हैं, जो सब कुछ सुन रहे थे और देख भी रहे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैंने वासुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। और फिर रहस्य की बात भी बताया संजय जी ने कि व्यास भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। और भक्तों, उन्होंने ये भी कहा कि उस
सुंदर दृश्य को जो मैं देख रहा था और सुन रहा था उसको याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। और हरि का वो अत्यंत विलक्षण रूप जो अर्जुन ने देखा वो मैंने भी देखा, उसको स्मरण करके मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। फिर संजय अपने हृदय की बात कहते हैं अपने राजा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। संजय कहते हैं ये मेरा अपना मत है, किंतु मैं प्रभु की भक्ति के भरोसे कह रहा हूँ कि सत्य है। भक्तों, इस प्रकार से गीता जी के 18वें अध्याय का बहुत संक्षिप्त चिंतन हमने किया। पूरा पूरा समझने के लिए सभी श्लोक को अर्थ सहित पढ़ना पड़ेगा। आज गीता जी के इस पाठ और चिंतन को हम अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। श्री राधे राधे।